मौसम पंजाब का सेहत के शोबे में इनकलाबी इकदाम। पंजाब के 15 अस्पतालों में फॉलिस के इलाज के लिए प्राइमरी स्ट्रोक सेंटर का क्याम। पंजाब की तारीख में पहली बार अस्पतालों में प्राइमरी स्ट्रोक सेंटर का क्याम अमल में लाया गया। पंजाब के फॉलिस के मरीज अब उम्र भर की माजूरी से बच सकेंगे। लाहौर के 5 दीगर अजला 10 अस्पतालों में फॉलिस के जदीद सेंटर्स कायम। फॉलिस का मरीज 24 घंटों के इलाज पर उम्र भर की मजदूरी से बच सकेगा। इसी बारे में मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदा अजमत आवान से। जी अजमत, आगाह कीजिएगा। अजी बिल्कुल मोहसिन, पंजाब के सेहत के शोबे में इनकलामी इकदाम जारी हैं। पंजाब की तारीख में पहली दफा फॉलिस के मरीजों के लिए पंजाब भर के 15 अस्पतालों में प्राइमरी जो स्ट्रोक मैनेजमेंट सेंटर का जो क्याम है वो अमल में लाया गया है। अब जो पंजाब के जो फॉलिज के मरीज़ हैं वो उम्र भर की जो मजदूरी हैं उससे बच सकेंगे, क्योंकि जो फॉलिज के मरीज़ हैं वो बर वक्त इलाज ना होने से सारी ज़िंदगी के लिए मजदूर हो जाते थे। जो दूर दराज के इलाकों से जो मरीज़ थे वो बर वक्त जो है वो पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोसाइंसेस नहीं पहुँच पाते थे, और बाज़ औक़ात जब बर वक्त पहुँच भी जाते थे तो पेशेंट्स के ओवर फ्लो की वजह से बर वक्त जो इलाज है वो मरीज़ों को नहीं मिल पाता था, जिससे जो मुतलका मरीज़ है वो सारी उम्र के लिए जो है वो मजूर हो सकता था। इस हवाले से मोहसिन नकवी जो ज़िला पंजाब हैं, पंजाब के, उनकी जानिब से एक बड़ा और ऐसा इकदाम सामने आया है। अब शहर लाहौर के 5 सरकारी हस्पतालों के अंदर और पंजाब के दीगर 10 हस्पतालों के अंदर जो है ये प्राइमरी स्ट्रोक मैनेजमेंट का क्या मामले में लाया जाएगा। इसका मकसद ये होगा कि फॉलिज के मरीज अगर 24 घंटों के अंदर बर वक्त उन हस्पतालों में पहुंचेंगे तो उनका जो बर वक्त जो इलाज है उससे ना मिलने से वो सेहतयाब होंगे, बल्कि सारी ज़िंदगी की जो मजदूरी हैं उससे भी बच सकेंगे। जबकि फॉलिज के जो मरीज़ हैं उनके लिए ख़ास कर जो इंट्रावेन टीपी इंजेक्शन होता है बहुत कीमती होता है, तो इन हस्पतालों के अंदर उसका जो क्याम है वो अमल में लाया जाएगा, और ये मेक श्योर किया जाएगा कि जो फॉलिज का मरीज़ है उसको बर वक्त जो ये इंजेक्शन है वो लगाया जा सके, ताकि जो फॉलिज का जो अटैक है उसको भी रोका जा सके, या फॉलिज के जो सेंटेंस हैं उसका क्याम अमल में लाया जाएगा, और जो मरीज़ हैं अब बर वक्त इलाज मिलने से वो सारी उम्र भर की जो मजदूरी हैं उससे बच सकेंगे। जी बहुत शुक्रिया अजमत आवान आपका।